नमस्कार। यह वीडियो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम के द्वारा निवेशकों के लिए जनहित में जारी किया गया है। विषय है राइट्स एंटाइटलमेंट, 5 मिनट 5 सवाल। हमने ये शॉर्ट वीडियो उनके लिए बनाया है जिनके पास डीमैट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट एंटाइटलमेंट आए हैं। पूरी जानकारी के लिए अपने एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले यह सवाल आता है कि राइट्स एंटाइटलमेंट क्या है। पहले के समय में कंपनी या आरटीए राइट्स इश्यू के फॉर्म डाक द्वारा निवेशकों को भेजते थे। सेबी के वर्तमान नियमों के अनुसार यह प्रक्रिया डीमैट में बदल गई है। इसके चलते राइट्स के फॉर्म के एवज में राइट्स एंटाइटलमेंट नामक यूनिट्स निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। दूसरा सवाल आता है कि राइट्स एंटाइटलमेंट का मुझे क्या करना है। ध्यान दें कि ये एंटाइटलमेंट है, राइट्स के शेयर नहीं है। यह एक ऑप्शन है, इस पर एक्शन लेने की जरूरत होगी। 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो सब्सक्राइब करें, या राइट्स एंटाइटलमेंट को बेच दें, या कुछ ना करें। ऑप्शन नंबर 3 अवॉइडेबल है। अगर आप इससे कुछ नहीं करेंगे, मतलब आपको जो एंटाइटलमेंट मिला है उसे आप व्यर्थ जाने दे रहे हैं और आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तीसरा सवाल है कि राइट्स एंटाइटलमेंट को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करूं। तो वो बताने से पहले हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इसको अप्लाई करने की अंतिम तारीख 3 जून 2020 है, परंतु लास्ट डेट तक वेट न करते हुए समय पर अप्लाई करना ही समझदारी है। सब्सक्राइब करने के लिए 3 ऑप्शन हैं। पहला, ऑनलाइन असबा। ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करके जिस प्रकार आईपीओ की एप्लीकेशन फैसिलिटी को यूज करते हैं, उसी तरह पैन और डीमैट अकाउंट का हवाला देते हुए राइट्स एंटाइटलमेंट की एप्लीकेशन मनी पे कर सकते हैं। 25% पैसा अभी लिया जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट आपको मई 2021 और नवंबर 2021 तक भरनी है। पेमेंट का दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन असबा। स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट rights.kfintech.com पर जाकर आप एक ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकालने के बाद उस पे फॉर्म में जो डिटेल्स है वो भर दें, डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच पर ये फॉर्म जमा करवा दें। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सब्सक्राइब करने के लिए एक तीसरा ऑप्शन भी रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया है। उसी वेबसाइट पर rights.kfintech.com पर आरवेब नामक फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग का होना आवश्यक है। पेमेंट अपने खुद के बैंक अकाउंट से ही करें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो चौथा सवाल आता है कि मैं राइट्स एंटाइटलमेंट को कैसे बेचूं। ध्यान रहे कि रिलायंस एंटाइटलमेंट राइट्स एंटाइटलमेंट 20 मई से लिस्ट हो चुके हैं। अपने ब्रोकर से संपर्क करके आप अन्य शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर इन्हें बेच सकते हैं। ट्रेडिंग की अंतिम तारीख 29 मई है। अगर बेचना चाहते हैं तो इसके पहले ही एक्शन लें। 5वां सवाल है कि लोग आम गलतियां क्या कर रहे हैं। पहला, रिलायंस राइट्स एंटाइटलमेंट को शेयर समझ लेना। हम फिर से बता दें कि यह शेयर नहीं है, यह सिर्फ एक एंटाइटलमेंट है। दूसरा, कुछ ना करना। अगर इस एंटाइटलमेंट के ऊपर लिए कुछ ना करेंगे तो यह गलती होगी। ये एंटाइटलमेंट कुछ ना करने से 3 जून को अपने आप लैप्स हो जाएंगे। तीसरा, थर्ड पार्टी पेमेंट यूज करना। एप्लीकेशन मनी करने के लिए किसी और को फंड्स ना दें। आरवेब को यूज करते वक्त आपके खुद के ही खाते से पैसा जमा कराएं, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।